शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहान। शटर आइलैंड एक नॉवल है जो 2003 में लिखा गया था बाय डेनिस लेहान। उसके बाद 2010 में 2010 में लियोनार्डो डी कैप्री की एक मूवी है शटर आइलैंड। वो इसने फिर प्ले किया था कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट का। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिल मूवी है जिसमें मोस्टली मिस्ट्री भी डिफाइन किया गया है। इसमें जो है लियोनार्डो जो कि मेन कैरेक्टर है वो पहले एक मार्वल होता है और उसके बाद ही टर्न्स इनटू अ पीटीएसडी पेशेंट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको जिसकी वजह से इसको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये कंफ्यूज्ड होता है। प्लॉट का ओवरव्यू ऐसा है कि दो मार्शल्स जो हैं एक आइलैंड पे जाते हैं। उस आइलैंड पे एक हॉस्पिटल काइंड ऑफ होता है, मेंटल हॉस्पिटल। इस तरह शो करते हैं कि ये जो टेडी है ये इन्वेस्टिगेशन करने आया, बट लेटर ऑन हमें पता लगता है कि असल में ये तो खुद एक पीटीएसडी पेशेंट है। उधर इसने अपनी वाइफ को मारा होता है और क्योंकि इसकी वाइफ ने इनके तीन बच्चों को मारा होता है। तो ये है ओवरव्यू, इसको हेलुसिनेशंस होते हैं। बैकग्राउंड ये है कि शटर आइलैंड इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्रिल नॉवल बाय डेनिस लेहान दैट वाज मेनली पब्लिश्ड इन 2003। दिस नॉवल इज सेट इन 1950s एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ टू US मार्शल्स टेडी डेनिस एंड चक ऑयली who are sent to investigate the disappearance of the patient from the Ashcliff Hospital, a maximum security institution on Shutter Island. तो US Marshals जो हैं जाते हैं और ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एक पेशेंट कैसे रिलीज हो गया है एक हॉस्पिटल से, तो इसीलिए ये लोग जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। भी हमारे पास की कैरेक्टर्स हैं, एक टेडी डेनिस है जो कि प्रोटैगनिस्ट है और उसको पीटीएसडी डिसऑर्डर है। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, और क्योंकि इसने अपनी माँ अपनी बीवी को भी मार दिया होता है, तो इसीलिए इसको ये प्रॉब्लम्स होते हैं हेलुसिनेशंस के। सेकेंड कैरेक्टर है उसको चक ऑले है। वो टेडी का पार्टनर होता है US मार्शल में। ये दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए उस आइलैंड पे जाते हैं। उस आइलैंड का नाम है शटर आइलैंड और ये एक डिसअपीयर्ड पेशेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो ये दोनों एक साथ होते हैं हाफ ऑफ द मूवी में। फिर लेटर ऑन हाफ ऑफ में पता लगता है कि ओके ऑले जो है टेडी डैनियल्स का साइकोलॉजिस्ट होता है। ये लेटर ऑन हाफ ऑफ द मूवी में पता लगता है जब टेडी का पीटीएसडी शो होता है, तो इसीलिए ये साइकोलॉजिस्ट होता है चक ऑले। ठीक है, देन डॉक्टर जॉन काउले ये जो है हेड होता है साइकाइट्री का एशक्लिफ हॉस्पिटल में। और उधर जो है ये थोड़ा सा सस्पिशियस होता है टेडी के हरकतों को लेके। हमारे पास फोर्थ कैरेक्टर रेचल का है। रेचल इस पूरी मूवी में मिसिंग पेशेंट होती है और इसी की इन्वेस्टिगेशन टेडी और चकाउले कर रहे होते हैं। फिफ्थ जो है हमारे पास कैरेक्टर वो डॉलरस है। ये वाइफ होती है टेडी की, जो कि मैं आप लोगों को पिक्चर अभी बताती हूँ। तो टेडी जो है इसके बारे में सोचता रहता है और इसको ड्रीम्स भी आते हैं अपनी वाइफ के, कि इसकी वाइफ ने अपने तीन बच्चों को इनके तीन बच्चों को मार दिया होता है या रिवर में ड्राउन कर दिया होता है या कुछ ना कुछ रिलेटेड सीन्स। तो ये थ्रू आउट द नॉवल या मूवी शी इज़ प्रेजेंट इन हिज माइंड। Now coming towards the summary of the novel, so it says that Teddy और Chuck जो है ये लोग आते हैं island पे investigation के लिए क्योंकि एक patient disappear हो जाता है और उसका नाम Rachel होता है। तो सारे movie में या novel में ये लोग यही investigate कर रहे होते हैं कि Rachel कैसे disappear हो गई है, क्योंकि ये island ये एक hospital एक island पे बना होता है और कोई भी patient इसको escape नहीं कर सकता। It's kind of inescapable. इधर टेडी को लगता है कि ओके चक इज़ माई पार्टनर एंड वी बिलोंग टू US मार्शल्स और हम लोग इधर इन्वेस्टिगेशन करने आए। बट लेटर ऑन हाफ ऑफ द मूवी में पता लगता है कि टेडी को असल में PTSD है, विच इज टर्म्ड एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और ये अपने आप से इसको हेलुसिनेशंस होते हैं और इसको ऐसे ही लगता है कि ओके ये चीज़ें हो रही हैं, दो इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता। दैट्स मोर द ऑपोजिट इन रियलिटी।
और जब हाफ ऑफ द नॉवल हो जाता है उसमें पता लगता है कि ओके चक जो है इसका पार्टनर नहीं है बट वो एक टेट का साइकोलॉजिस्ट है। को लगता है कि इस हॉस्पिटल में बहुत अजीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं, अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर, और जो के हेड हैं इस हॉस्पिटल के असल में वो अपने क्राइम्स को दे आर जस्ट ड्रैगिंग द डस्ट अंडर द कारपेट और रग। ये टेडी जो है वो इनकी रियलिटीज़ अनफोल्ड करना चाहता है, और नॉवल का क्लाइमेक्स यही है कि इसको शॉकिंग ट्विस्ट या ट्रूथ पता लगता है अपने बारे में कि ओके आई एम अ मर्डरर, आई मर्डर्ड माई वाइफ बिकॉज माई वाइफ मर्डर्ड आर 3 किड्स, और इसको थ्रू आउट द मूवी में यही ड्रीम्स आ रहे होते हैं। तो दिस वॉज द क्विक समरी ऑफ दिस नॉवल। तो इसमें जो है टेट को वर्ल्ड वॉर 2 के आफ्टर इफेक्ट्स और वाइफ के मर्डर की वजह से इसके मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं जिसको PTSD कहते हैं। टूवर्ड्स द थीम्स ऑफ दिस नॉवल, सो द फर्स्ट वन इज सैनिटी वर्सेस इनसैनिटी। थ्रू आउट द मूवी में पता नहीं लग रहा होता टेडी को कि रियल क्या है और फेक क्या है। तो हाफ ऑफ द मूवी में इस ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, एक डिसअपेयरेंस ऑफ रेचल जो एक कैरेक्टर है वो डिसअपेयर हो जाती है आइलैंड से, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो वो जो है इंसैनिटी होती है। बट सैनिटी ये तब पता लगता है टेडी को जब मोस्टली लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी होता है, इसको पता लगता है कि ओके मेरी वाइफ का मर्डर हुआ था, वो मैंने ही किया था, और ये सारी बातें उसको रियलिटी पता लगती है अपनी लाइफ की। द सेकेंड इज़ गिल्ट एंड रिडेम्पशन। तो गिल्ट जो है वो यही है, टेडी इज़ हॉन्टेड बाय द डेथ ऑफ हिज वाइफ, ये इस अपनी वाइफ को मार देता है तो इसके दिल में गिल्ट होता है। रिडेम्पशन इज़ लाइक, इसका मीनिंग ये है कि जब आप इन यू वॉन्ट टू सेव योर सेल्फ फ्राम ईविल, तो सेल्वेशन इसका मतलब है या विंडिकेशन। इससे जो अपनी वाइफ का मर्डर किया होता है उसको लगता है कि ओके उसको ठीक करने के लिए मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है, एक एक डिसअपियरेंस ऑफ ई कैरेक्टर रीचल, तो इसीलिए रिडेम्पशन मतलब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। हमारे पास जो लास्ट मेजर थीम है दैट इज़ द डेंजर्स ऑफ पावर। तो इस एशक्लिफ हॉस्पिटल में टेडी को लगता है, जो लियोनार्डो डिकैप्रियो जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसको लगता है कि ओके इस हॉस्पिटल में बहुत सारे वियर्ड सोशल इश्यूज़ हैं, और जो हेड हैं इस हॉस्पिटल के यह लीडर्स हैं वो अपने एक्शंस को छुपा रहे हैं। तो उनको लगता है कि जो टेडी को लगता है जो हेड हैं वो अपने पावर्स यूज़ करके सब कुछ क्राइम्स और सब कुछ कर रहे हैं और फिर अपने एक्शंस को छुपा रहे हैं, वरना और बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई डू नॉट हैव एनी डिसीज, बट दे आर कीपिंग मी हेयर फॉर नो रीज़न। माइनर थीम्स जो है वो ट्रामा और आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 है, क्योंकि टेडी जो है मार्शल होता है US का, तो वर्ल्ड वॉर 2 में इसने बहुत सारे आफ्टर मैथ है वर्ल्ड वॉर 2 का, इसको बहुत सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं, डेड बॉडीज़ याद आती हैं, पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इट। तो इस तरह इसको बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो गए थे। सेकेंड इज़ द इफेक्ट ऑफ डिसेप्शन ऑन रिलेशनशिप्स। तो टेडी जो है समझ रहा होता है एट फर्स्ट कि चक जो है असल में उसका पार्टनर है, US मार्शल है, लेकिन असल में वो उसका साइकोलॉजिस्ट होता है। तो पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेके टेडी जो है बहुत कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसको PTSD डिसऑर्डर होता है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द थीम्स। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्रिटिकल एनालिसिस। तो ये एक मास्टर पीस है साइकोलॉजिकल सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर है। तो इसमें जो है इट पोर्ट्रेल ऑफ टेडी एज अ फ्लॉड एंड ट्रबल्ड प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि इसको PTSD डिसऑर्डर होता है, और कम्प्लेक्सिटी है प्लॉट में क्योंकि एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें पता लगता है कि ओके एवरीथिंग वॉज फेक, और ये सारी चीज़ें तो टेडी सोच रहा होता है, तो इसके हेलिसिनेशंस होते हैं। इसमें जो है वेदर को इस तरह बताया गया है, बहुत थंडर स्टॉर्म है और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो एटमॉस्फेयर और वेदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्श है, तो उस वजह से बताया गया द टेंशन
इन द नॉवल. सो कमिंग टूवर्ड्स द सिंबल्स एंड मोटिव्स, इसमें हमारे पास नॉवल में द लाइट हाउस दिखाया गया है. तो टाइम एंड अगेन टेडी का डिज़ायर होता है कि वो लाइट हाउस जाए, सो टू क्लियर हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल टर्मोइल ही इज़ एक्सपीरियंसिंग. उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि इधर पता नहीं सब लोगों को क्या हो रहा है. तो देन वी हैव अ सिंबल ऑफ वाटर. तो वाटर इज़ द सिंबल ऑफ डेंजर एंड केओस, और टेडी को जो है कंट्रोल नहीं होता किसी भी चीज़ पे. लास्टली वी हैव ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स. तो इसको हेलुसिनेशंस भी होते हैं, ड्रीम्स और नाइटमेयर्स इसको अपनी वाइफ के आ रहे होते हैं. एंड उसमें यही एक्सपीरियंस कर रहा होता है टेडी के ओके इसके बच्चे मर गए हैं और ये अपनी वाइफ को मार देता है एंड थिंग्स आरंट ओके इन हिज लाइफ एंड देयरफॉर ही इज़ हेयर टू इन्वेस्टिगेट अबाउट अ कैरेक्टर और अ पेशेंट रेशल. कमिंग टूवर्ड्स द लिटरी डिवाइसेस, सो वी हैव वन इज़ द फोर शेडोइंग एंड द नेक्स्ट इज सिम्बलिज्म. तो फोर शेडोइंग वो होता है कि आपको प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर का हिंट पता लग जाए, प्लॉट ट्विस्ट हो जाए कुछ भी लेटर हाफ ऑफ द मूवी में और नॉवल में. So symbolism in the novel was the different kind of weather. It was a harsh weather and it was constantly raining. It was more of a thunderstorm. तो बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से इट स्टेट्स द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द टेडी दैट ही इज़ इन डेंजर. सो टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन, आई जस्ट हैव टू से दैट इट वाज अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट, देयर वर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, देयर वाज अ ट्विस्ट इन द प्लॉट, देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर शेडोइंग, देयर वाज द सिम्बलिज्म ऑफ रेन एंड इन टोटल इट डिपिक्ट्स द साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एज टेडी यूज टू have the PTSD disorder. Thank you so much for watching my video till the very end. असल में मैंने वीडियो मोस्टली उर्दू में बनाई है बिकॉज बहुत सारे सजेशंस थे, क्योंकि लोगों को इतनी इंग्लिश की पता नहीं समझ आती नहीं है या मेरी आवाज़ की समझ नहीं आती. बट एनी हाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल बी मीटिंग यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.